लोगों के आते ही हवाला में बबाला। आप हमारे पीछे क्यों छुपे? उठिए। अरे यार, तुम्हारे दोस्त का जंगल है, तुम ही देख लो। आप उठिए। यार सुनो, ये जो तुम्हारा दोस्त है ना, बड़ा ही गुस्सेल मालूम होता है। वैसे तुम्हारा ये दोस्त है कहाँ? उठिए, अय्यारों की नाक मत कटाइए। अरे सुनो यार, तुम्हारे दोस्त बस चलता ना तो नाक कान हाथ और क्या कहने कटवा देता। यार कोई कोई तरीका हुआ अपने दोस्तों का इस्तेमाल में? बोलिए, मच्छर किसके पीछे चुप रहा है? असल क्या है ना, सरपंच थोड़ा शक्की है। वो हवाला जंगल में आए हुए हर शख्स को परखता है। अलादीन, अलादीन मच्छर का साथी है? अरे मियाँ, आप उससे मिलेंगे, सब समझ जाएंगे। देखो मियाँ, ये परखा है ना, गैरों और दुश्मनों को किया जाता है, अपनों को नहीं। वो थोड़ा ऐसे ही है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, निकम्मा शहजादा मच्छर के साथ मिला हूँ। और भी जाकर इनसे पूछती हूँ। इरफान, जुरप्पन और हमारी खुफिया जुबान है, सिर्फ हम वो समझ पाते हैं। दरअसल वो इसलिए कर रहा है, ये परखना चाहता है कि हम ही हैं, कि ऐरा गहरा तक गहरा नहीं। अपने जादू की ताकत का ऐसा इस्तेमाल करते हुए तुम्हें खुद पर नाज हो रहा। अल्लाह, मैं तो कहना चाहती थी कि इसे खुद पर शर्म आनी चाहिए। बेगम, हमें नाज है। जो आप अपने सुल्तान के खिलाफ जो गद्दारी के मंसूबे बनाती रहती हैं, शर्म आपको आनी चाहिए। अब उठाइए आवाज, बोलिए सच रुखसार बेगम, क्योंकि अब आपकी आवाज, आपका सच, आप खुद अब एक मजाक बन के रह गई है रुखसार में। बहुत बहुत बुरा लग रहा है, हमें आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। जहर, जहर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जंगल में है जब तक भालू, तब तक हमारे दिल में है आलू। शाबाश जुनून, सब कुछ सही जा रहा है। अब सब कुछ तो मैंने जादू पर टिका है। फिक्र मत करो आका, इधर आओ,
लौकार। सुनो चुरप्पन मियाँ, आपकी आवाज गूंज क्यों रही है? ये हबाला हमारा है, तो आवाज क्या तुम्हारे अब्बा के गूंजेगा? अच्छा एक बात बताते, हम नौकर नहीं है, समझे? अच्छा, तुम नौकर नहीं तो फिर क्या? गुलाम हो, गुलाम हो, गुलाम हो। नहीं नहीं हम गुलाम भी नहीं है, तो शैतान का सच्चा यार सफर फेर कर दो वर्चुमादर अल्लाह हमारे भाई चे आओ, अभी हम फेल के नहीं का। बहुत सही है यार। जो कहना चाहती हूँ मुंह से उसका उल्टा निकल रहा है, ऐसे में बच्चों से बात करूं तो कैसे? बड़ी उस्ताद, अब आप कैसी हैं बड़ी उस्ताद? तुम मुझे कितना परेशान करती हो? या अल्लाह, हम तो ये कहना चाहते थे कि तुम हमारी कितनी फिक्र करती हो। मैं तो बस पूछने आई थी, क्या आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? तुम बहुत शैतान हो सुने, प्यारी की जगह शैतान कह दिया। मैंने क्या शैतानी की? ऐसा कब तक चलेगा? मुझे खुद ही इस मुश्किल का तोड़ ढूंढना पड़ेगा। सुनो, हम अपना तारुफ दे ही रहे थे कि तुमने उसमें खलल डाल दी थी, तो हम कह रहे थे कि तुम हमारी शान को जानते नहीं। अच्छा, तो तुम्हारी शान में क्या सूरज उगता है? अरे यार सुनो तो सही, तो वैसे हम बताते, हम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हैं। ताकतवर, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है तो हमको खुद ही उठा लो, उठा लो, उठा लो। मुमकिन सा है? अरे मजाक मजाक मजाला मजाला मजाला। ए सुनो, एक बार बताओ, तुम दोनों खुद को बहुत शातिर समझते हो ना? आखिर एक गलती कर ही बैठे। एक दरख्त को तो गिनना भूल ही गए। ये तो किसी मर्द की आवाज है, यानी मच्छर मर्द है और जहर उसके लिए काम करती है। मेरा बच्चा है तू। जरूर जरूर गलती कर दी है, गलती कर दी है। मुझे संभालो। पकड़ लिया। पकड़ लिया हमने कि आपने उस चुड़ैल के साथ पुश्तों को गंजा क्यों कर दिया। कौन सी चुड़ैल? अच्छा आपको नहीं पता? कैसे पता होगा, कैसे पता होगा? इन्होंने पता नहीं कितने लोगों को गंजा किया है। हाँ याद रहता है क्या? जरूर। नहीं नहीं सही है, करना भी चाहिए। नहीं लेकिन हम कसम खा के कह रहे हैं, क्या बाल हैं, क्या मूंछें हैं, एकदम सुभान अल्लाह। एक बात बताओ, क्या करते क्या हो? कुछ नहीं करते ये अपनी मूंछों का, इसी बात पर तो मैं गुस्सा आता है। हमें कहते हैं कि अपनी मूंछ को संभालो,
संभालो अपनी मूछों को। मूछे मूछे मूछे। यार सुनो, एक मतलब इनसे कहो ना कि हमारे आवाज को भी इस तरह गुंजा दे एक बार, बड़ा मजा आ रहा है। आए! क्या का? क्या का? क्या का? देखो बिल्कुल ऐसे तफर, तफर, तफर। क्या कर रहे हैं आप? नाराज हो जाएगा, उसको बिल्कुल ये सब पसंद नहीं है। खाला जरा ये तीसरा आदमी कौन है और ये लोग क्या बात कर रहे हैं? और शिफान यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सब आखिर चल क्या रहा है? आप यहाँ क्या कर रही हो? तुम दोनों बीड़ू लोग को इधर ही झगड़ा करने का है? मैंने आपको घोड़ा गाड़ी में छिपते देखा, मुझे आपकी फिक्र हुई कहीं आप मुसीबत में ना पड़ जाए, इसलिए आपको साथ देने चला है। मैं सब बताती हूँ, वो मुच्छड़ है। नजर आ रहा है। उसका नाम मुच्छड़ है। बगदाद की मासूम आवाम का सबसे बड़ा दुश्मन, बड़ी उस्ताद पर हमला भी इसी ने करवाया था। मैं इसे यहाँ रंगे हाथों पकड़ने आई। अकेले? आंखें हैं कि कंचे खजूर, अपुन दिखता नहीं क्या? अरे मेरा मतलब है कि आप मेरी मदद तो मांग सकते थे, पर से वो निकम्मा शहजादा भी उससे मिला हुआ है, वैसे भी उससे उम्मीद क्या की जा सकती है। मुच्छड़ यहाँ पर चंदन की लकड़ी की तस्करी करने आया है। मैं इसकी करतूतें देख चुकी हूँ, इस तस्करी में भी इसका कोई बुरा इरादा छुपा होगा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि अलादीन इसके बुरे इरादों में इसका साथ क्यों दे रहा है। इसमें समझने वाली क्या बात है, शहजादा एक बुरा लड़का है। न जाने क्यों अभी भी मेरा दिल कह रहा है कि ये सच नहीं है, अलादीन बुरा नहीं है। अब उस मुच्छड़ को पकड़ने में आप अकेली नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। वैसे जोरू, अब इत्मीनान से बैठकर हम बातें कर लें जिसके लिए हम आए। हमको पता है तुम यहाँ पे नारियल फाड़ के लिए आए। यार बात तो सुन। मजाक मजाक का मजा लो, हमको पता है तुम यहाँ चंदन के लिए आया। यार सुनो एक बात बताओ कि इस मर्तबा वो आवाज नहीं गूंजी, तुम्हारी नली खराब है क्या? हमारा जब मन करेगा वो तब होएंगे। अब चलो। अच्छा वैसे हम कहाँ जा रहे? कुर्बानी के लिए, कुर्बानी के लिए, कुर्बानी के लिए। गौर से सुनो जिनू, हम जफर को जंगल लेके आएंगे और वहां पर हमें मिलेगा हमारा जिगरी दोस्त जुरप्पन, जो जफर को गुफा के अंदर ले जाएगा। जफर का यकीन जीतना बहुत जरूरी है जिनू। कुर्बानी देना जरूरी है। मजाक मजाक का मजा लो, पीछे आओ। यार एक बात पूछनी, ये इतना सारा चंदन हम अपने साथ बगदाद कैसे ले जाएंगे? अपने जादू से? जादू 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 अंदाज फटिजड़ वाले और शौक नकारो वाले। हम क्या कह रहे हैं, हमने जो घोड़ा गाड़ी अपने साथ लाई है चंदन हम उसी भर कर ले जाएंगे और क्या? हाँ फिर ये ठीक है। अरे जोरू तुम इनको अपना बोला शरबत पिलाओ ना, चंदन का शरबत, फिर हम काम की बातें करेंगे। शरबत? तुम भी पिएगा? तुम तो दिखता ही शकल से पीने वाला है। क्या मतलब? मजाक मजाक का मजा लो जे। अब आता है शरबत लाइक है। हाँ जल्दी जाओ। पता नहीं इस आलू और जोरू में कहां फंस गए हम, जल्दी से काम हो तो हम निकले यहां से। बड़ी उस्ताद सलाम। बड़ी उस्ताद सलाम। बड़ी उस्ताद सलाम। बच्चे आपसे बात कर रहे हैं, आप जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? इतनी बेरुखी भी ठीक नहीं रुखसार बेगम, बच्चों का दिल टूट जाएगा।
लगता है हमारे जहर के कहर का असर आपके दिमाग तक हो गया है। ना क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? क्या करें, तुम्हारी शक्ल देखकर ही हंसी आ जाती है। क्या कहा? ये सब उस बोली बदल की वजह से। हम तो तुम्हारी तारीफ करना चाहते हैं कि तुम कितनी बदतमीज, कितनी बिगड़ी हुई, कितनी गुस्ताख लड़की हो। अरे क्या करूं, ये सब ना उस बोली बदल की वजह से हो रहा है। मुझे ना ही हंसते बच्चे बर्दाश्त है और ना ही ये औरत। दोनों को चुप कराने के लिए मुझे इसे ठीक करना ही पड़ेगा। इस गुस्ताखी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मत तो तुम चुकाओगी सहन, आइंदा मेरे रास्ते में आई तो। हरबत भाई आइलेट औफा अबाला का रसवा। सही खेल गए, हमारे साथ तो तुमने ये रस्म कभी नहीं निभाई। क्योंकि हम इसके साथ रस्म निभाता और तुमको रस्म खिलाता। मजाक मजाक का मजा लो। हाँ लो। गुफा में जुरप्पन अपने जादू से जफर पर हमला करेगा और हम जुरप्पन को खत्म कर देंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, मुझे खत्म कर देंगे? जफर को लगेगा तुम अपने जादू से छुप जाओगे। ठीक है, और जफर को हम पर यकीन हो जाएगा, आखिर हमने अपने जिगरी दोस्त की जान लेकर उसे बचाया। और तो और चंदन भी दिलाएंगे। कहो कैसी रही? सही खेल गए। मेरे पास मच्छर को पकड़ने का इंतजाम है। कैसे इंतजाम? ये है चंदन की लकड़ी और ये है बारूद, और अब होगा धुएं का धमाका। भी आ गई, इसे तो बिल्ली की तरह हमारा रास्ता काटना ही होता है। ये धुआं कहां से आ रहा है? मैं अपना जादू इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये कमबख्त सफर अभी होश में है।
सब बेहोश हो गए। मच्छर का असली चेहरा देखने का ये सही मौका है। तुम यहीं रुको। शक्ल कितनी जानी पहचानी लग रही है। आज तेरी नकली दाढ़ी और सच्चाई पर पड़ा झूठ का पर्दा दोनों हटने वाले हैं मच्छर। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.